गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के कचारगढ़ में आदिशक्ति माता महाकाली की यात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। सालेकसा तहसील के कचारगढ़ में पारी कुपार लिंगों के आदिशक्ति माता महाकाली कंकाली पेंटार कचारगढ़ की ओर से 7 से 10 फरवरी तक राष्ट्रीय गोंडवाना महाअधिवेशन व कचारगढ़ यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते के हस्ते 8 फरवरी को किया गया है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते ने संबोधित किया कि आदिवासी समाज का श्रद्धा स्थल कचारगढ़ गुफा व तीर्थस्थल के विकास के लिए निधि की कमी नहीं होने देंगे। तीर्थस्थल विकास के लिए 21 करोड़ रुपए की निधि प्रस्तावित है, जरूरत पड़ने पर इससे भी अधिक निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह का आश्वासन भी कुलस्ते ने शुभारंभ के दौरान दिया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और पूजा अर्चना से की गई। अध्यक्ष के रूप में सांसद अशोक नेते उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक सहसराम कारोटे, पूर्व विधायक संजय पुराम, कवित्री उषा किरम आत्राम, अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद कुकोड़े सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान कवि उषा किरण आत्राम द्वारा लिखित 3 किताबों का प्रकाशन केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते व अतिथियों के हाथों किया गया। सीडीगढ़ हमारे प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार की रिपोर्ट। आस्था का केंद्र है तो यहाँ पर एक आदिवासियों का सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे संग्रहालय, आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया जाना चाहिए। और उस संग्रहालय के भीतर जो हमारे परंपरा के जो देवी और देवता, उनका एक मॉडल के रूप में वहाँ पर देवी देवता का मॉडल बना करके वहाँ पर रखा जाना चाहिए, ताकि देश भर से जो लोग आते हैं अपनी देवी देवताओं को पहचान सके और एक सही रीति और सही रास्ते पर चल करके अपने समाज को आगे बढ़ा सके। देश के उन्नति और विकास में आज आदिवासी अपनी पूरी भागीदारी दे रहे हैं, तो इसलिए सरकार द्वारा भी उनका संरक्षण किया जाना चाहिए और देवी देवताओं का जो है संग्रहालय का निर्माण यहाँ करवा के उनको उनके देवी देवता से जो है परिचय करवाना चाहिए। हमें बढ़ चुका है, उस समय तो कुछ नहीं था, हम पहले से ही आ रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ में हमारे साथ कई 1000 पब्लिक आते हैं, माता शक्ति चिकित्सा के सब। बड़ा देव गए थे आप? जी हाँ। कैसा लग रहा है कचारगढ़ में? बहुत अच्छा परिवर्तन हो चुका है।